हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्लाइट फिल्म जो है वो 16 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज से कुछ दिन पहले ही प्रोड्यूसर्स ने उस फिल्म की रिलीज पोस्टपोन कर डाली और अब ये 2 अप्रैल को रिलीज होने को है। इस फिल्म के हीरो प्रोड्यूसर मोहित चड्डा, मेरा हमेशा का सोचना है कि ही डेफिनेटली डिजर्व्स मोर देन व्हाट ही हैज गॉट। ही इज हैंडसम, ही इज गुड लुकिंग और ही कैन डिलीवर, अच्छे एक्टर है। तो आज हमारे साथ यही हैंडसम, गुड लुकिंग एंड द गाय हु कैन डिलीवर, अ वेरी फाइन एक्टर मोहित चड्डा है। लेट्स गेट टॉकिंग टू हिम, बट बिफोर दैट लेट मी वेलकम हिम। सो वेलकम मोहित। सर थैंक यू सो मच। इससे पहले कि कुछ और बोलूं, एक बात बोलना चाहता हूँ। बहुत लोगों का सपना होता है कॉफी विद करण पे जाने का और कपिल शर्मा जी के शो पे जाने का, बट मेरा बचपन से सपना था कि मैं आपके शो पे आ जाऊंगा, तो दैट मींस द इंडस्ट्री हैज एक्सेप्टेड मी। अरे क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। बट इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस तो है, मुझे ऐसे लगता है कि यू डिजर्व मच मच मोर, एंड हो सकता है आपकी इस फिल्म से आपकी एक्चुअल उड़ान बतौर एक्टर शुरू हो जाए। आपको क्या लगता है? सर आइडिया तो वही था और कोशिश भी वही रहेगी कि द फिल्म टेक्स ऑफ, एंड ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ करियर्स जॉइंड विद दिस फिल्म। और सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे हमारे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं जो मेरे पार्टनर भी हैं प्रोडक्शन कंपनी में, और हमारे डीओपी फर्स्ट टाइम है, बट सबने बहुत अच्छा काम किया। सो लेट्स होप एवरीबॉडीज करियर्स टेक ऑफ। एक्चुअली अच्छा काम किया होगा क्योंकि ट्रेलर इंट्रीगिंग के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो ट्रेलर बनाने में, कटिंग द ट्रेलर जैसे हम कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत गई, एंड फिल्म बनाने में कितनी मेहनत लगी? सर बहुत मेहनत लगी, ये मैंने ट्रेलर लॉन्च के दिन भी बोला था, बहुत मेहनत लगी। हमको खुद भी नहीं पता था हम इतनी मुश्किल फिल्म को चुन रहे हैं। इनफैक्ट जब पवन जी ने, ये मिस्टर पवन मल्होत्रा ने ये स्क्रिप्ट सुनी थी तो उन्होंने कहा था, आर यू श्योर, बिकॉज ये बहुत मुश्किल फिल्म है, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा, बट काफी मुश्किल फिल्म है। एंड वी रियलाइज दिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेकिंग द फिल्म। वो चाहे प्लेन का सेट लगा के उसको हाइड्रोलिक्स पे चढ़ाना हो, चाहे वो VFX के कंपोजिटिंग हो, क्योंकि वी ऑलवेज वॉन्टेड दिस फिल्म टू बी फॉर द बिग स्क्रीन। सो उसका कैनवस बड़ा होना चाहिए था, उसकी टेकिंग बड़ी होनी चाहिए थी, उसका फील और एंटरटेनमेंट कोशेंट उतना ज्यादा होना चाहिए था कि आप अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सको उस समय। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब आप भी ये फिल्म देखोगे आप ऐसा ही कुछ बोलोगे, और आपके रिव्यू से वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है। नहीं डरिए मत, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे आपकी फिल्म पसंद आएगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस दौर में कोरोना वायरस, लॉकडाउन, 50% ऑक्यूपेंसी, कहीं 100% ऑक्यूपेंसी, इस दौर में बड़ी बड़ी फिल्में OTT पर प्रीमियर हो रही है, और आपकी छोटी बड़ी वैसे कोई नहीं होती है, लेकिन बजट वाइज, स्टारकास्ट वाइज आपकी छोटी फिल्म है कंपेयर टू दी अदर फिल्म्स व्हिच आर रिलीजिंग। आप लोगों ने साहस और हिम्मत दिखाई बाय सेइंग दैट आप सिनेमाज में आएंगे। इसके पीछे राज क्या है? सर दो छोटी चीजें हैं। एक तो जैसा आपने कहा छोटी और बड़ी नहीं होती, उनके जो बड़ी फिल्में इन टर्म्स ऑफ बजट्स होती हैं वो उनके लिए बड़ी होती हैं, हमारे लिए ये हमारी सबसे बड़ी फिल्म है, क्योंकि हमने तो अपनी आई थिंक लाइफ सेविंग इसमें लगा दी है, और इसके बाद तो मतलब कुछ बचा नहीं है हमारे पास करने को। बट अपार्ट हैविंग सेड दैट, हमने हमेशा सोचा था कि इनफैक्ट प्री कोविड ऑल्सो जब हमने ये एक शोरील काटी थी फिल्म की टू गेट द सेल्स हैपनिंग, बिकॉज हमारी फिल्म कंप्लीट हो रही थी, VFX बचे थे, पोस्ट प्रोडक्शन में काफी समय लिया हमने, मतलब रीजनेबल समय लिया। और मैं तो उस टाइम पे जब हम जा रहे थे तब भी हमको ये बोला गया था कि दिस इज प्री कोविड ऑब्वियसली, के डायरेक्ट टू OTT क्यों नहीं करते थे। और हमारा हमेशा से मानना था कि हमने बनाई बड़े पर्दे के लिए, और मैं ये नहीं कह रहा इसका मजा बाकी मीडियम्स पे नहीं आएगा, जरूर आएगा, बट जो इसका फुल एंटरटेनमेंट कोशेंट है वो शायद बड़े पर्दे पर देखने में ही आएगा। और अगर बिजनेस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हमने शायद इतने सारे पैसे इन कंपैरिजन टू अदर्स नहीं लगाए, तो होपफुली वी विल रिकवर आवर मनी फास्टर। सुपर्ब, सुपर्ब। यू नो ये प्लेन जो बनाई है, यू कहिए प्लेन का सेट, वो बहुत रियलिस्टिक है। आपके आर्ट डायरेक्टर कौन है और कितना समय लग गया इस प्लेन को बनाने में? सर हमारे आर्ट डायरेक्टर भी फर्स्ट टाइम आर्ट डायरेक्टर है, एंड वी गॉट वेरी लकी विद हिम। दो कारण है उसके, एक तो वो फिजिक्स बहुत अच्छी समझते हैं, और दूसरा उनकी वाइफ जो है वो कुछ 20 साल से एविएशन इंडस्ट्री में है, वो कॉमन फ्रेंड निकले और आज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो गए। उनका नाम है अमित पठानिया। अरे वाह, अमित पठानिया। पता है मेरा जो ETC का शो था, ETC बॉलीवुड बिजनेस, उस शो का सेट भी अमित पठानिया ही बनाते थे। So that means we have got him in common. Yeah, we've got him in common. This is his first Hindi film. So and it was very easy with him because उन्होंने खुद इतना ट्रैवल किया है, वो खुद एविएशन से, और हमने उनकी वाइफ से भी बहुत मदद ली है बरखा से, क्योंकि काफी सारी चीजें जैसे यूट्यूब पे कुछ लिंक्स के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि इलॉजिकल है, ये है, वो है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, वो तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा लोगों को। बट हमारा लॉजिक हमेशा ये था कि इट शुड नॉट बी फार्सिकल, इट शुड नॉट बी इम्प्लॉजिबल, कि हाँ थोड़ी सी सिनेमैटिक लिबर्टी हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि लार्जर देन लाइफ एक कहानी सुना रहे हैं हम, बट क्योंकि सिनेमा है, क्योंकि सिनेमा है और इतनी सिली नहीं हो सकती है कि कुछ भी हो रहा है। तो हमारा रिसर्च एक्चुअली स्क्रिप्ट में कुछ 6 महीने का कम से कम गया था, जिसमें हम काफी लोगों से मिले थे और समझने की कोशिश की थी। आई गॉट लकी क्योंकि मैंने एक जमाने में मैं भी पायलट बनना चाहता था, नॉट मेनी पीपल नो। मैं सर वो उस टाइम पे नया आप जब निकलते हो ना कॉलेज से, तो वो 3-4 चीजें मैंने भी ट्राई की क्योंकि मेरी माता जी नहीं चाहती थी मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ। वो काफी अगेंस्ट किसी की माताजी नहीं चाहती है फिल्म इंडस्ट्री, पता नहीं क्यों बदनाम है। नहीं सर वो मेरी तो क्या हिस्ट्री है, मैं शायद आपको बता चुका हूँ, मेरी एक हिस्ट्री है। मेरे पिताजी ने सारे पैसे गवा दिए थे यहाँ, तो मेरी माताजी ने मुझे 3 महीने दिए थे जब मैंने सब चीजें कोशिश कर ली। मैंने स्टूडेंट्स पायलट लाइसेंस भी लिया था, तो मुझे थोड़ा बहुत ब्रीफ सा आइडिया जरूर था, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्सपर्ट से ओपिनियन ले। तो हमारे पास जितने भी हमारे पायलट दोस्त या जो भी एविएशन से जुड़े थे, या मेरे मौसा हैं वो भी पायलट थे, तो हम सबके पास गए और हमने सबसे रिसर्च करी। और उसके बाद ये फिल्म का सेट भी बनाया। फिल्म को इनफैक्ट अमित पठानिया की दाद देना चाहूंगा कि इतने कम पैसे में, कम मतलब हमारे लिए कम नहीं थे, बट अगर आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सोचेंगे तो काफी रीजनेबल बजट्स में उन्होंने इस प्लेन को हवा में उठाया। एंड नोबडी वुड अंडरस्टैंड दैट, बट ऐसे भी लोग आए जो सेट पे हमें कांग्रेचुलेट करने आए थे और उनको लगा कि आज तक तो हम झूठ बोल रहे थे, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, क्योंकि ये रियल साइज से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा प्लेन हवा में लटका हुआ है। तो उनको समझाना पड़ा, नहीं भाई हम हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर करके काम करा रहे हैं। That's nice. लेकिन मुझे ये बोलिए, फ्लाइट फिल्म की कहानी आपने इसलिए चुनी क्योंकि आपको पायलट बनना था, या ये कोइंसिडेंस है? सर ये काफी मेजर कोइंसिडेंस है। एक्चुअली ये एक थॉट मुझे आया था कि हम आपको पता है कि फिल्में तो बनानी थी, या फिल्म बनानी थी या एक्टिंग करनी थी, उसको जैसे मर्जी पकड़ ले हम। बट एक थॉट आया था मेरे को जब मैं अपनी वाइफ को छोड़ने जा रहा था कहीं, तो कि एक इंसान है जो एक लिफ्ट में अटका है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, एंटरटेनिंग करेंगे, थोड़ा सा ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, क्योंकि जेब के पैसे लगाने कोई और पैसे दे नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग यू आर ब्रांडेड वेरी क्विकली। एंड माई रोल्स, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, वो क्या होता था कि मैं जो भी रोल करता था ना वो कट जाता था, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर नहीं होता था कभी भी। तो मतलब इट वाज ऑलवेज कि यार ये सेकंड लीड है, ये है, ये वो है। बट मतलब, और वो मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि जब मैंने साउथ में काम करना शुरू किया था अपनी पहली फिल्म में, तो आई वॉज प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट एवरी टाइम, तो मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं। And I'm not saying it was not for the betterment of the film or betterment whatever, but anyways I'll cut that short. Basically sir ये idea था, एक आदमी लिफ्ट में है और हमने लिखने की कोशिश करनी शुरू की। मैं सूरज के पास गया, मैंने कहा यार ये एक थॉट है, क्या बोलता है? तो उसने बोला अच्छा है ये, बहुत अच्छा, let's develop it, it's not been tried before, and that was always the idea to bring something new and yet entertaining. But sir थोड़ी देर 3-4 महीने उस पर काम करते करते ऐसा लगा कि एक तो ये सिनेमा हॉल में जाके इंसान क्यों देखेगा, इट्स अ वेरी स्मॉल कंसाइज क्लॉस्ट्रोफोबिक फिल्म, प्लस वो और क्या है, मैं और सूरज दोनों हम मास सिनेमा के बहुत बड़े फैंस हैं, मतलब वी लव वाचिंग दैट दोज मासी फिल्म्स, एंटरटेनिंग, कॉमेडी, एक्शन, वी लव दोज काइंड ऑफ फिल्म्स। तो हमसे भी वो लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक दिन ऐसी चाय पीते पीते सूरज ने बोला इसको प्लेन में डाल दें, तो पहले तो मैं डर गया, मैंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे यार, इनका सेट लगाना पड़ेगा, तू क्या बात कर रहा है। But I think within 5 minutes we knew कि अगर इसको प्लेन में डाल दिया, so then we'll get the film that we are looking for, the edge of the seat, fun, action, entertaining film that we are looking for, and that's how we just got into a plane. Wow! आपने कहा एक थॉट आया जब मैं मेरी वाइफ को छोड़ने गया, लेकिन फिल्म में आपने वाइफ को नहीं छोड़ा, आपने उनके लिए भी एक किरदार लिखा, मतलब आप लोगों ने, और उनको भी एक्टिंग में शामिल किया, इशिता शर्मा, राइट? जी सर वो एक्चुअली हुआ ये था कि पहले हम नहीं कर रहे थे, बट जब हम एक्शन सीक्वेंस शूट करके आए तो हमने उनको आगे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ये कर लो। अब पहले हमने सोचा था उनकी आवाज को यूज करेंगे, क्या है, बहुत लोगों ने हमको स्क्रिप्ट सुन के भी कुछ इंडस्ट्री के लोगों ने बोला था कि ये फिल्म जो है तुम कमर्शियल थोड़ी ज्यादा कर रहे हो, इसको एक सिर्फ थ्रिलर के जोन में रहने दो। बट वो शायद हमारी नासमझी होगी या हमारा ड्रॉबैक है कि हमको एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लगा कि यार थोड़ा फन होना चाहिए, थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए, बोर नहीं होनी चाहिए ऑडियंस, प्रॉपर मसाला फिल्म बननी, प्रॉपर मसाला होनी चाहिए, येट अ प्रीमाइस दैट हैज नेवर बीन ट्राइड बिफोर। तो फिर हमने जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ये आप छोटा सा मतलब ये प्लीज ये कर दो, एंड शी वाज ग्रेटफुल इनफ एंड शी स्टिल अब्यूजेस अस कि तुम लोग मेरे को मिसयूज करते हो। और आखिर में अब 2 अप्रैल नजदीक आ रही है तारीख, तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक या एक्साइटमेंट? सर बोथ एक्चुअली। क्या काम इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मुझे याद है जब मैंने पहली बार इंटरव्यूज करनी शुरू की तो मेरे को मेरी वाइफ ने, सूरज ने, सबने याद दिलाया कि भाई तुम एक्टर भी हो तो थोड़े कपड़े तो ढंग के पहन लो, वरना मैं तो जिस तरीके से बाकी काम कर रहा हूँ मैं आगे बैठ जाता था। और मैंने एक इंटरव्यू किया और मुझे बहुत गाली पड़ी, तो मैं अभी आई एम नॉट बीइंग एबल टू काइंड ऑफ, इट्स नॉट सिंकिंग इन राइट नाउ। आई एम जस्ट होपिंग दैट द ऑडियंस इज लाइक द फिल्म एंड आई होप यू लाइक द फिल्म, बिकॉज जो पिक्चर आपको पसंद आती है वो जरूर चलती है। ये मैं और एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा सर, मैं आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपके रिव्यूज से जितना सीखने को मिलता है वो इट इज अनइमेजिनेबल। और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ इससे पहले भी, आई थिंक आपकी मेरी पहली बार बात हुई थी जब जिंदगी में पहली बार जब मैं रेस देख के निकला था, दैट्स व्हेयर आई रियलाइज्ड कि नहीं, देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट अ स्क्रीन प्ले और एट अ स्टोरी और एट अ स्क्रिप्ट और हाउ यू मेक अ फिल्म, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। गुड बैड अगली व्हाटएवर इट इज, वी मेड समथिंग एंड होप एवरीवन लाइक्स इट। थैंक यू, थैंक यू मोहित। मैं तो ये कहूंगा कि इस फिल्म से आपका करियर और फिल्म इंडस्ट्री में, एग्जीबिशन सेक्टर में भी एक नया सूरज चमके, आपके डायरेक्टर के नाम से मैं जोड़ रहा हूँ, एक नया सूरज चमके, एंड यस विशिंग यू द वेरी बेस्ट फॉर 2 अप्रैल। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नमस्ते। तो दोस्तों ये थे मोहित चड्डा, इनकी फिल्म फ्लाइट 2 अप्रैल से रिलीज होने को जा रही है, एंड मैं तो यही कहूंगा कि बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत के साथ ये फिल्म बनी है। छोटी फिल्म है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कोई भी फिल्म छोटी या बड़ी तब होती है जब बॉक्स ऑफिस पर उसका परफॉर्मेंस नापा जाता है। मे बी दिस स्मॉल फिल्म बिकम्स अ बिग वेरी ह्यूज फिल्म। सो हियर्स विशिंग द टीम ऑल द वेरी बेस्ट, और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट, and of course, stay tuned.